इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो है। तो चलो काम की बात पे आते हैं और वीडियो को फोड़ते हैं। तो मैं अपने पहला वीडियो में बताने जा रहा हूँ अंटार्कटिका के ओशन में पाई जाने वाली एक दुर्लभ मिस्टीरियस फिश के बारे में। ये नॉर्मल फिश नहीं, ये बड़ी ही मिस्टीरियस है, क्योंकि जब ये अपनी लार्वा स्टेज में होती है तो यह फिश दिखाई ही नहीं देती। जी हाँ, बिल्कुल हमारा एक्समैन और मिस्टर इंडिया जैसे। उसका मतलब ये कि जब यह अपने लार्वा स्टेज में होती है तब यह ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होती है, जैसे आप अभी आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस फिश का नाम है लैक्टोसेफेलस फिश। अब तुम लोग यह सोचोगे कि ऐसा कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ ना। ये जो फिश है, इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे और माइक्रो के रूप में होते हैं, और ना ही इसमें RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स पाई जाती है। इसका मतलब ये कि ये फिश RBC लेस होती है। और इस फिश की जो बॉडी में जो बॉडी वॉल होती है उसमें एक जेली टाइप सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे ट्रांसपेरेंट जेली कहते हैं, जिसके कारण ये ट्रांसपेरेंट और कलर लेस दिखाई देती है। तो ये तो हुआ इस वीडियो का पहला पार्ट। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। तो सुनो, ये जो लैक्टोसेफेलस लार्वा है, ये जिसके कारण ट्रांसपेरेंट या कलरलेस दिखाई देती है, उस कारण को ही इसकी बॉडी से निकाल ले, यानी इस फिश या लार्वा की ट्रांसपेरेंट जेली को ही निकाल ले और उसे प्रिजर्व कर दे। और हमारे महान साइंटिस्टों की देन, उनकी महान खोजों में से कुछ जैसे क्रिस्पर, जीन ड्राइव, जीन थेरेपी और भी बहुत सी टेक्निक, जिससे हम हमारे ह्यूमन जीन को बदल सकते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन को बदल सकते हैं या उनमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो निकाली हुई उस ट्रांसपेरेंट जेली को हम क्रिस्पर, जीन ड्राइव, जीन थेरेपी जैसी तकनीक की मदद से अगर हमारे ह्यूमन जीन से मिला दें या ह्यूमन जीन में मिला दें, तो सोचो भाई, हमारे आने वाली जनरेशन अदृश्य, ट्रांसपेरेंट या कलरलेस हो सकती है। मैं जानता हूँ कुछ लोग इसे मजाक समझेंगे, तो तुम लोग ये ना भूलो कि हम 21st century में जी रहे हैं, और अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है ना, वो 10 साल पहले नहीं थी। तो सोचो आने वाले 50 से 60 सालों में हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ पर होगी, और हम ना इंसानी शरीर को घोल के पी जाएंगे। हम हमारे शरीर के कोने कोने को जान चुके होंगे, और तब ये थ्योरी या तकनीक जिसका नाम मैंने रखा है लैक्टोजीनोम थ्योरी कारगर हो सकती है, और हम भी ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, कलरलेस हो सकते हैं या अदृश्य हो सकते हैं। तो तुम लोगों को क्या लगता है, फ्यूचर में हम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं? कमेंट करके बताइए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्ति की ओर, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट घंटा दबाइए। ओके, चलो मिलते हैं, बाय।